देखो वो सब का अल्लाह है, यही तो खूबसूरत चीज है उस जात में कि वो हर एक को अपना लगता है। वो तुम्हारा या किसी और का नहीं है, वो सब का अल्लाह है। और मैं इसे बहुत मांगता हूँ हर छोटी छोटी चीज के, या अल्लाह बस ये वाली ख्वाहिश मेरी पूरी कर दे, उसके बाद कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा और कुछ नहीं मांगूंगा। और फिर जब वो ज़ात वो ख्वाहिश पूरी कर देती है तो उसके बाद नई ख्वाहिशें दिल में घर कर लेती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो अल्लाह की ज़ात मेरी इन तमाम ख्वाहिशों को एक एक करके ऐसे पूरा कर देती है जैसे उसके दर पे बेहिसाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जल्दी मिल जाता है, सब्र के आंसू जब बहते हैं तो वो इन तमाम सब्र का सिला ऐसे पहुंचा देते हैं और मेरी अकल दंग रह जाती है कि हाँ ये तो मैंने मांगा था अल्लाह से और देखो कैसे अल्लाह ने इतनी जल्दी सुन ली। जो चीज़ देने का वक्त आता है तो वो ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ, ऐसा नहीं है कि अल्लाह सिर्फ मेरी सुनता है। अल्लाह के करीब तो सबसे ज़्यादा वो होता है जिनके आंसू अल्लाह को पसंद होते हैं। अल्लाह तो सबको प्यार करता है और इसकी रहमत सबके लिए है, उसका कुन सबके लिए है, उसके साथ सबका रिश्ता अलग सा है। कहीं उम्मीदों का रिश्ता है तो कहीं दुआओं का, कहीं आंसुओं का रिश्ता है, लेकिन इन सब के बदले इसका कुन सबके लिए एक सा है। तो तुम मायूस ना होना, वो सबका अल्लाह है, उसका रिश्ता तुमसे अलग है।